जब जहां से तेरे कुछ ना पास होगा और दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। वो चाहे जब जहां से पास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। घेर के बैठ जाएगा, तुझे जमीन के ऊपर लिटा दिया जाएगा। कोई कहेगा मेरा बाप मर गया, कोई कहेगा मेरा चाचा चला गया। और क्या बताया है पहली गली में, रह जाएंगे तड़प के परिवार तुझको पकड़े डोले तुझके, वो पीते छाती अपनी, पीते छाती अपनी, तेरा कुनबा निराश होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। मेहतर तेरे कफन को ले जाएगा झपट कर, एक मेहतर तेरे कफन को, वो बसती सदूर तेरा, बसती सदूर तेरा, वो परकट में वास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। शिकायत तेरी चल कर के राख होगी, कंचन शिकायत तेरी चल कर के राख होगी, और कंच
तब जमी को काया भी खाक होगी, टूटेगा तब जमी को काया भी खाक होगी। अरे ढूंढेगा जब जमी को काया भी खास होगी, टूटेगा जब जमी को काया भी खाक होगी। अरे दे दे होगा, तू गज का फल का टुकड़ा तेरा निवास होगा, तू गज का फल का टुकड़ा तेरा निवास होगा। ऐसे थे, उनके अंदर एक खासियत थी, और 10-5 दिन के बाद तेरे नाम को तेरे काम को सबको भूल जाएंगे। एक छोटा सा फोटो बनवा कर दीवार पर लटका देंगे और अपने बच्चों से बता करेंगे ये हमारे बाबा थे और ये हमारे चाचा थे। पूरी जिंदगी इंसान मेहनत करता है और बुढ़ापे में आकर के कुछ भी हाथ नहीं लगता। और लास्ट बात में हमारे पीरू जी ने क्या बात कही है, बहुत अच्छे, दूध दे के सबके आंसू तेरी याद में बहेंगे, दूध दे के सबके आंसू तेरी याद में बहेंगे, दिन के बाद वो भी उस हाल में रहेंगे, कुछ दिन के बाद होगी उस हाल में रहेंगे। वो गोरी का चेला पीरू, गोरी का चेला पीरू, वो शंकर का दास होगा, वो गज कपट का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, कबल का टुकड़ा तेरा निवास होगा। वो जाएगा जब जहां से, वो जाएगा जब जहां से, तेरे कुछ ना पास होगा, तू गज कबल का टुकड़ा तेरा निवास होगा, तू गज कबल का टुकड़ा तेरा निवास होगा, तेरा निवास होगा, तेरा निवास होगा।